जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोविडेंट स्टडी में। आज देखते हैं आज की जो टॉप हेडलाइंस है फ्रॉम एचपी के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड। तो पहली है, अभी शैलेश अग्रवाल एंड सुबोध गुप्ता को चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है सीआईए के। सीआईए है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जो एचपी का है उसके लिए। और सेकेंड है, जो एचपी गवर्नमेंट है उन्होंने भी जो कैनविस की कल्टीवेशन होती है उसको क्लियरेंस नोट दिया दे दिया है इन द कंट्रोल मैनर कि अब इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए कुछ रूल एंड गाइडलाइंस इश्यू हो गए। पहले इस कैनविस के ऊपर सेंक्शन लगे हुए थे, इसकी खेती करना गैर कानूनी था। और अभी थर्ड है, अकॉर्डिंग टू जो अभी सर्वे आया है कि उसके हिसाब से हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो श्रिंक कर रही है 2020-21 की 6.2%, और सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ है वो है 81% जो टूरिज्म सेक्टर है ड्यू टू दिस कोविड-19 पेंडेमिक। और थर्ड है, जो अभी ये कांगड़ा वैली वाली जो रेलवे लाइन है वहाँ पे 3 नए इंजन स्टार्ट हो गए, लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है कि ये रेलवे लाइन कब आई थी, कितनी टनल है और कौन से गॉज लाइन है इसमें। तो इसमें जो ये इसका प्लान आया था वो आया था 1926 में, और जो बन के तैयार हुई थी, कमीशन हुई थी, वो थी 1929 में। और इसमें दो टनल है और ये नैरो गॉज लाइन है, ये हमको याद रखना है। और जो अभी फेस्टिवल का सीज़न चला हुआ है, स्नो फेस्टिवल लाहौल स्पीति में, उससे रिलेटेड है। दो फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट किए गए, योर उत्सव और लमोई। जो योर उत्सव है वो त्रिलोकनाथ में सेलिब्रेट किया गया है, और जो लमोई है वो गोंडला में। अब जो योर फेस्टिवल है ये वहाँ के लिए वो कुछ ज़्यादा स्पेशल है, तो इसको देखते हैं। योर उत्सव में जो वहाँ के लोकल पीपल होते हैं वो सबसे पहले जो स्नो की एक मूर्ति बनाते हैं, और इस मूर्ति की खास स्पेशलिटी ये होती है कि ये मिनिमम 8 फीट की बनाते हैं, और उसके चारों ओर सारे लोग खड़े हो जाते हैं और अपने जो रिचुअल के हिसाब से नाचते रहते हैं। और ये जो योर फेस्टिवल है वो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा के लिए। और मेन जो इस फेस्टिवल का जो मकसद है लोगों का वो है कि ये बहुत सालों से मनाया जा रहा है, और इसलिए भी मनाया जाता है कि जो लोग वहाँ के लोगों को डिजास्टर से भी लॉर्ड शिवा बचाए रखे। और ये एक सिग्निफिकेंस इसका ये भी है कि जब ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है तो वहाँ के लोगों का मानना है कि जो विंटर सीज़न है वो ख़त्म हो जाता है और जो स्प्रिंग सीज़न है वो आना शुरू हो जाता है। तो ये था फ्रेंड्स आज के टॉप हेडलाइंस, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें।